उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा कदम, एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ग्राममुखी का लोकार्पण। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, आवास में कराया था कोविड टेस्ट। 23 सितंबर को उत्तराखंड मानसून सत्र, केवल एक दिन का होगा सत्र, नहीं होगा प्रश्नकाल। आज से लागू नए दिशा निर्देश, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, सीमावर्ती जिलों में बस अड्डों पर होंगे एंटीजन टेस्ट। केदारनाथ आपदा में लापता नर कंकालों की ढूंढ खोज, लापता 4 लोगों के कंकाल जंगलों से बरामद, डीएनए सैंपल के बाद होगा अंतिम संस्कार। विकास नगर को जल्द किया जाएगा सीसीटीवी कैमरे से लैस, 3 किलोमीटर बाजार क्षेत्र की होगी निगरानी, आपराधिक वारदातों पर लगेगा अंकुश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, चमोली पहुंचे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। चमोली पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के राज्यपाल ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे, बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की, उत्तराखंड के राज्यपाल ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। चमोली पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के राज्यपाल ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की, उत्तराखंड के राज्यपाल ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। चमोली पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के राज्यपाल ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सत्र से पहले विधायकों मंत्रियों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सत्र से पहले विधायकों मंत्रियों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट पर ही विधानसभा में प्रवेश। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सत्र से पहले विधायकों मंत्रियों का हो रहा है कोरोना टेस्ट, 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट पर ही विधानसभा में प्रवेश। सत्र से पहले विधानसभा में प्रवेश होगा। सत्र से पहले विधायकों मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं रोजगार के लिए सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा कदम की, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के तहत थानों में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ग्राम निधि का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया, देखिए पूरी जानकारी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़ा कदम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक और बड़ा कदम, एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ग्राम निधि का लोकार्पण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण। युवा स्वरोजगार की ओर से आगे बढ़ रहे, किसानों की आर्थिक स्थिति भी होगी मजबूत।
उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के तहत थानों में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ग्राम्य निधि का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर तैयार किए जा रहे ग्रोथ सेंटर स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने और ग्रामीण विकास की नए इबारत लिख रहे हैं, युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ें, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आपदा को अवसर में बदलने का समय है, आपदा को अवसर में बदलने का समय है और यही काम कर्मवीरों का है, कर्मवीर बनने की आवश्यकता है। सभी भाई बहनों से विशेष कर मेरी नौजवान के लिए, ये 5-7 हजार की नौकरी के लिए जाती है, जो कोई नहीं करनी है नौकरी, हम अपने साथ एक आदमी को और काम दे दें, ये फीलिंग अगर हमारे मन में आ जाए, ये भाव अगर हमारे मन में आ जाए, हमारे अंदर वो क्षमता है, हम कर सकते हैं, हर किसी के अंदर है। उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है, अवसर देने का काम सरकार आपको देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोईवाला विधानसभा के थानो गांव पहुंचे, जहां सीएम ने कृषि से जुड़े एग्रीकल्चरल ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। आपको ये भी बता दें कि जलागम विकास योजना के अंतर्गत बने इस एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ी उत्पाद से बिक्री के लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जलागम विकास मंत्री सतपाल महाराज भी इस ग्रोथ सेंटर पर पहुंचे और इसकी महत्ता का गुणगान किया। जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ग्रोथ सेंटर से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, जबकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर से किसानों को मदद मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधे किसान को फायदा हो, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को लाभ हो, किसान को फायदा मिले, किसान आत्मनिर्भर हो, ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला हमारा कदम है। और निश्चित रूप में इसके अंदर जो सुपर फूड है, जैसे इसमें सहजन है, ड्रमस्टिक्स हैं, उनका बड़ा सफल प्रयोग साउथ अफ्रीका में रहा, उसके अंदर प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत फायदा करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन तो होता है, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने से किसानों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इससे सरकार ने राज्य में इसके तहत 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए हैं, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए और आय डबल भी हो जाए। आज लगभग 100 से अधिक इस तरह के सेंटर जैसा यहाँ पर बना है, ऐसे ही 100 से अधिक सेंटरों को स्वीकृति दी है और काफ़ी अधिक जो सेंटर हैं उसको आज प्रोडक्शन पर आ गए हैं। ये एक मॉडल है हमारे गाँव के लेके रूरल अर्थव्यवस्था, कि गाँव में भी वो चीज़ बन सकती है जो हम इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीज़ें बनती हैं, उसके लिए एक मॉडल के तौर पर एक ग्रोथ सेंटर हमने खड़े किए हैं। दोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं 4 लेन पर जल्द भर सकेंगे फर्राटा की। दोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण ये निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया है कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण यह निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने से जहां डोईवाला जाम मुक्त हो जाएगा, तो वहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। बता दें, देहरादून से मोहकमपुर से लाल तप्पड़ तक 22 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण कार्य दाई संस्था एटलस कंपनी कर रही है। ओवरब्रिज और बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है, तो वहीं 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण पूरा करने के बाद अब सड़क का डामरीकरण भी शुरू हो गया है। राहगीर अनमोल अग्रवाल ने कहा, इस हाईवे का काम पूरा होने से बहुत राहत मिलेगी और जाम से निजात मिलने के साथ दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। नेशनल हाईवे बनने से हमारे डोईवाला और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
पिछले 15 से 20 वर्षों से, कम से कम लगभग 15 वर्षों के आसपास से ये नेशनल हाईवे का कार्य रुका पड़ा था और ये जगह जगह टूटा पड़ा हुआ था। इसमें कई दुर्घटनाएं हुई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोगों की जाने गई और आज से पूर्व की जितनी भी सरकारें आई इन्होंने इस विषय में कोई गंभीरता से काम नहीं किया और इस ओर नहीं ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से उत्तराखंड में चारों ओर चौमुखी विकास हो रहा है, इसे चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इससे स्थानीय सब कुछ गुणवत्ता से पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे का निर्माण कार्य पिछले 15 सालों से अटका पड़ा था और पूर्व में AR कंपनी द्वारा इस निर्माण कार्य को कर रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण अरे कंपनी को भारत सरकार ने हटाकर इस हाईवे निर्माण का काम एटलस कंपनी को दिया। 1.5 साल के भीतर ही एटलस कंपनी ने जहां इस निर्माण को पूरा कर लिया तो वहीं 31 अक्टूबर तक इस 4 लेन सड़क पर आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। कुंभ मेले से पूर्व हाईवे लोगों को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता को भी बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं ताकि 4 लेन निर्माण में किसी तरह की खामियां ना रहे। कंपनियों के अधिकारियों ने बताया, नो डाउट अभी जो प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है इसमें हमारा 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक प्रोग्राम हमारा बन चुका है। रात नाइट और डे की टीम अलग हमने मोबिलाइज कर दी है, लेकिन अभी कुंभ से पहले बनाने के लिए हमारे पास अभी जरूरत है मिट्टी को मटेरियल की, उसके लिए शासन स्तर पर हमने आवेदन कर रखे हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी बेसमेंट हो जहाँ से मिट्टी हमें उपलब्ध हो सकती है, बिंडलास है, IT पार्क है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं कहीं तो परिवहन होनी है और शासन हमारे को दिलवा देता है और जैसे बिंडलास के लिए हमें आदेश कर दिया है 10 किलोमीटर का, तो उसी तरह बाकी जगह से और दिलवाई जाए और कुछ हमने नाप भूमि के भी हमने आवेदन किया है उसके लिए कार्रवाई गतिमान है। तो हमारा ये लगता है 24 घंटे हम काम करेंगे तो जो हमारा 1.5 महीने का काम है हम 1.5 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे। दिक्कतें किस तरह की आ रही है? ट्रैफिक की दिक्कत है, हमको बहुत रनिंग ट्रैफिक में काम करना पड़ रहा है और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं सर, उससे पहले हो जाएगा, इसमें तो सबसे बड़ा हमारा टारगेट ये था, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे किसी को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लेन हाईवे बनने से काफी ज्यादा राहत क्षेत्र और राज्य के लोगों को मिलेगी, साथ ही देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी भी घटेगी। 2021 में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहते हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों का सफर आसान हो। डोईवाला से KNews के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं पहाड़ियों पर मिले नरकंकाल की। 16-17 जून 2013 की विनाशकारी केदारनाथ आपदा में लापता हुए 4 यात्रियों के नरकंकाल गौरी माई खर्क के जंगलों से बरामद हुए हैं। पुलिस ने चारों नरकंकालों का DNA लेकर पंचायतनामा भर करके सोनप्रयाग में नरकंकालों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा में लापता नरकंकालों की ढूंढ खोज। लापता 4 लोगों के नरकंकाल जंगलों से बरामद। 4 दिनों से चल रहा था जंगलों में सर्च अभियान। गौरी माई खर्क के जंगलों से बरामद हुए नरकंकाल। नरकंकालों का किया जाएगा अंतिम संस्कार। DNA सैंपल लेने के बाद सोनप्रयाग में अंतिम संस्कार। दरअसल केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के नरकंकालों को ढूंढने के लिए पुलिस ने 4 दिनों तक केदारनाथ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, SDRF और स्थानीय गाइडों की 10 टीमें लगी हुई थी। इस दौरान केदारनाथ, रामबाड़ा, त्रियुगी नारायण, लिंचैली सहित अन्य जंगलों और पैदल ट्रैकों पर सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान गौरी माई खर्क के जंगलों से 4 नरकंकाल बरामद हुए हैं। इन 4 नरकंकालों का DNA लेने व पंचायतनामा भरने के बाद सोनप्रयाग में अंतिम संस्कार किया गया। आपदा में कई लोग मारे गए थे जबकि कई यात्री गुमशुदा हैं। आपदा के समय यात्री जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भागे थे जहां भूख प्यास से यात्रियों ने दम तोड़ दिया था। आपदा के बाद से लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2013 की आपदा में केदारनाथ और पैदल मार्ग से काफी यात्री मिसिंग थे। पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद 4 दिवसीय सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान 4 नर कंकाल बरामद हुए। इन नर कंकालों का DNA सैंपल लेने के बाद पंचायतनामा भरा गया और फिर सोनप्रयाग में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व में 699 लोगों के शव और नरकंकाल बरामद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बे औलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख, कीजिए सवाल जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश आज से लागू किए जा रहे हैं, देखिए पूरी जानकारी। पर्यटकों के लिए व्यवस्था, बाहर से जो भी पर्यटक आएगा उसे स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। होटल व होम स्टे में 2 रात की बुकिंग अनिवार्य है। पर्यटक को अपने साथ 4 दिन तक का RT-PCR, TrueNet, CBNST, एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। होटल के लिए यह भी सुविधा होगी कि वे प्राइवेट कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकेंगे। होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इनसे पहले कोविड टेस्ट हो जाए। एक जिले दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी के वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
खबर खटीमा से है, जहां पर खटीमा लूड़िया खेत रोड पर कार सीख रही महिला का समय खाई में गिर जाती है। सुबह रोड पर और सैर सपाटा करने में प्रदेशवासियों का कहना है कि लोहरिया खेड़ पावर हाउस में कार्यरत सुबह कार सीख रही थी और कार की स्पीड तेज हो गई थी, जिसके बाद कार अनियंत्रित हो जाती है, रोड के किनारे खाई में चली जाती है। कार सीख रही महिला को सुरक्षित बचा लिया गया और हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शाम को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें लड़के का पैर टूट गया है और काफी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। आज सुबह भी मैंने देखा एक लेडीज जो लोहिया हेड की हैं वो गाड़ी सीख रही थी और वो एक छोटे गड्ढे में चली गई गाड़ी उनकी। और यहाँ पर सबसे पहली जो अव्यवस्था है वो यहाँ ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने कहा कि 2016 से 19 तक जिन छात्रों की डिग्रियां अभी तक नहीं मिल पाई हैं, वे छात्र 50 दिन के भीतर डिग्रियां प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन के भीतर डिग्रियां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ 2020 के बाद के सभी डिग्री धारक निजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हर विश्वविद्यालय में स्वयं 2 दिन का दौरा करके बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें देश की रैंकिंग में स्थान मिल सके। साथ ही साथ आजकल चल रही परीक्षाओं के परिणाम 35 दिन भीतर घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि नया सत्र समय पर शुरू किया जा सके। वहीं रामगढ़ का दौरा करके नैनीताल पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने कहा कि रामगढ़ के टैगोर टॉप का निरीक्षण करके रविंद्रनाथ टैगोर टॉप स्थल पर राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करके भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि टैगोर टॉप के शीश महल को एक नई पहचान मिल सके। बटन फ्लैग के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।